हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं मे मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर हम इसे हिंदी में समझे तो जब वाक्य के एंड में सकता है सकते हैं आता है, और ये हमारा पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। तो आप कहोगे मैम कैन में को भी आपने पॉसिबिलिटी के लिए बताया था। देखो, कैन भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, मे भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी है? अब अगर हम कैन की बात करें तो जब 90 to 100% पॉसिबिलिटी होती है किसी काम के, चांसेस होते हैं कि 90 या 100% हो जाएगा, ठीक है, तो हम कैन यूज़ करते हैं। जब हमारे काम होने के चांसेस 50% होते हैं, जैसे आप ये कहो कि 50% ये चीज़ हो सकती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? मे। माइट हम तब यूज़ करते हैं या जब हमारे 0 से 20% तक हमारे चांसेस होते हैं। ओके, मे का फर्स्ट यूज़ है टू टेक एंड गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए और लेने के लिए। इसमें देखो रूल क्या होगा, मे होगा सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, इसका जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो सेंटेंस की सेंस ही बदल जाएगी। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ? मे वो बी गो देयर, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? मे वी प्ले, क्या हम खेल सकते हैं? देखो जो हमारा मे है ना, बहुत बोझ वाला वर्ड है, समझ गए ना? यानी कि ये बहुत भारी, ये मतलब बहुत फॉर्मल वर्ड है। इसको जब हम जहाँ पे हमें बहुत फॉर्मल होना है वहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि ऑफिस में अपने पेरेंट्स के साथ। ओके, वैसे आजकल ऑफिस में भेदभाव खत्म सा होता जा रहा है, ये ऊंच नीच का सा, वहाँ भी हम कैन यूज़ कर सकते हैं। पर डिसाइड आपको करना है कि मे यूज़ करना है या कैन, कौन सा वर्ड यूज़ करना आपके लिए सूटेबल रहेगा। ओके, अगला यूज़ है हमारा मे का फॉर विश और प्रेयर, यानी कि प्रार्थना के लिए, इच्छा के लिए। अब इसका रूल क्या होगा, मे होगा उसके बाद गॉड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देख लेते हैं कुछ। मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, भगवान आपको बेटा दे। अब यहाँ पे जब आप मे लग जाता है तो भगवान करे शब्द जुड़ जाता है ना। मे शी गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, भगवान करे उसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। मे यू गेट अ गुड वाइफ, भगवान करे तुम्हें अच्छी वाइफ मिले। मे यू लिव लॉन्ग, आप हजारों साल जिए। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे या भगवान आपका भला करे। मे यू रिमेन एवर ग्रीन, आप सदा बहार रहो। अब देखो किसी को के लिए अभिशाप यानी कि नेगेटिव बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? मे गॉड पनिश यू, भगवान आपको दंड दे। मे यू नेवर गेट हैप्पीनेस, भगवान करे आपको कभी खुशी ना मिले। हम इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बोलना नहीं है रियल में। चलो ओके, नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं। अगला यूज़ है हमारा इसका पर्पस के लिए, यानी कि उद्देश्य के लिए। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सके। यू वर्क हार्ड सो दैट यू मे गिव हर गुड लाइफ, तुम मेहनत करते हो ताकि उसे अच्छी लाइफ दे सको। यू गो टू वर्कशॉप सो दैट यू गेट मे गेट एक्सपीरियंस, तुम वर्कशॉप जाते हो ताकि तुम्हें अनुभव मिल सके। तो इस तरह जिस किसी चीज़ का पर्पज़ हो यानी कि उद्देश्य हो तो भी हम मे का यूज़ करते हैं। अगला यूज़ है हमारा मे का पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि संभावना जब आपकी 90 to 100% होती है तब हम मे यूज़ करते हैं। आई मे गो आउट, मैं शायद बाहर जा सकती हूँ, यानी कि मेरे बाहर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। द बीजेपी मे कम अगेन, बीजेपी दोबारा आ सकती है। शी मे लाइक यू, वो तुम्हें पसंद कर सकती है, यानी कि उसका तुम्हें पसंद करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, मे बी, अब इसे कैसे यूज़ करेंगे? इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। नाउन क्या होता है? नाउन किसी पर्सन प्लेस और थिंग का नाम होता है। हो सकता है वह डॉक्टर हो, यानी कि आप प्रेजेंट टेंस में किसी चीज़ का अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। आप कहते हैं ना कि हो सकता है उसे समझ ना आया हो, हो सकता है वह इंजीनियर हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करेंगे? मे बी। ही मे बी अ डॉक्टर, हो सकता है वह डॉक्टर हो। शी मे बी इन द क्लास रूम, हो सकता है वह क्लास में हो। दे मे बी इन द पार्क, हो सकता है वे लोग पार्क में हो। अब हम मे के साथ हैव कैसे यूज करेंगे ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होगा। सब्जेक्ट आपको पता ही है जो काम करता है, मे हैव यहाँ पे मे हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ओके, जब आप ये कहे कि उसने काम कर लिया होगा, वह सो गया होगा, तो इस तरह उस वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हम वहाँ पर मे हैव यूज़ करेंगे। शी मे हैव परचेज द गिफ्ट, उसने गिफ्ट खरीद लिया होगा।
ही मे हैव टेकन दैट बैग, उसने यह बैग ले लिया होगा. ही मे हैव रीच्ड ऑफिस, वह ऑफिस पहुंच गया होगा. यानी कि आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते कि ये काम हो गया होगा, उसने कपड़े धो लिए होंगे, उसने खाना बना लिया होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. मे हैव बीन सब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट. इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हम खड़े तो प्रेजेंट में हैं लेकिन बात कर रहे होते हैं पास्ट की. यानी कि हम अंदाज़ा लगाते हैं. इसको ऐसे समझते हैं, सपोज आपके फ्रेंड ने कहा है कि वो आपके घर आएगा, ठीक है. अब उसने कहा कि मैं एक दो दिन के अंदर ही आऊँगा, तो आप वेट कर रहे हो लेकिन वो आ नहीं रहा है, तो आप कहते हो सकता है उसका टाइम ना लग पा रहा हो, ठीक है. क्या क्या कहोगे आप? हो सकता है उसका टाइम ना नहीं लग पा रहा हो, ठीक है. तो इस तरह के जब आप सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम मे हैव बीन का यूज़ करते हैं. अब इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. हो सकता है वह कल आना चाह रहा हो, ही मे हैव बीन कमिंग यस्टरडे. हो सकता है उस समय वह स्टडी रूम में हो, शी मे हैव बीन इन द स्टडी रूम एट दैट टाइम. हो सकता है उस समय वह फ़ोन पर बात कर रही हो, शी मे हैव बीन टॉकिंग ऑन द फोन एट दैट टाइम. तो ये था हमारा मे का कॉन्सेप्ट. उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हिट कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे. ओके, बाय.